नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति का मूल अर्थ क्या होता है? राजनीति का मूल अर्थ राज्य या समाज के शासन, प्रबंधन और संचालन से संबंधित गतिविधियां में बने रहे और सरकार बनाए और सरकार बनने के बाद नीतियों का निर्माण और उन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे होता है उस पर ध्यान देना और सत्ता में बने रहने की प्रक्रिया में शामिल होना एक राजनीति का मूल अर्थ है। राजनीतिक तत्व नंबर वन सत्ता और शासन। इसमें सत्ता पाने और बनाए रखने और नीतियों का निर्माण करने और कार्य को सही तरह से लागू करने की प्रक्रिया है। इसमें सत्ता पाने, नीतियों का निर्माण होता है और शासन होता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और नेता शामिल होते हैं। नीतियों का निर्माण, सत्ता पाने के बाद समाज से, जनता से जुड़े नीतियों का निर्माण और नीतियों का निर्माण सही तरीके से लागू करना एक प्रमुख कार्य है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और नेतागण शामिल होते हैं। नंबर 3, लोकतंत्र और चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि का चुनाव एक और जनता दोनों महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जनता अपने प्रिय जनप्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वे अपने आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। राजनीतिक विचारधारा, इसमें चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं और विभिन्न राजनीतिक दल के विभिन्न नेता होते हैं। जैसे कि इसमें राजनीति विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पूंजीवादी राजनीतिक विचारधारा, साम्यवादी राजनीतिक विचारधारा, समाजवादी राजनीतिक विचारधारा, इन प्रकार के विचारधारा रहते हैं। जनता और जनप्रतिनिधि, इसमें राजनीतिक में जनता अपने प्रिय जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और नेता को चुनते हैं, जिसके माध्यम से वे जनप्रतिनिधि जनता के आकांक्षाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और उसके समाधान में जोर देते हैं। और राजनीतिक प्रकार, देश में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक प्रकार होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजनीति। राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दे, लोकसभा या राज्यसभा के कार्य और उसके जो स्कीम्स है वो ठीक तरह से, राष्ट्रीय स्कीम जो है वो ठीक तरह से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही है, इसी के ऊपर ध्यान देना। ये राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर जाना जाता है। राज्य राजनीति में राज्य के विधानसभा और राज्य के स्थानीय मुद्दे पर होती है। ये राजनीति के तौर पर जाना जाता है। और स्थानीय राजनीति नगर निगम, पंचायत और स्थानीय चुनाव से जुड़े होते हैं, जिसमें स्थानीय समस्या को समाधान में जोर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से राजनीति के प्रकार होते हैं। और राजनीति हमें क्यों करनी चाहिए? राजनीति करने से ही जनता, समाज से जुड़े समस्याओं का समाधान होता है और समाज, राजनीति की वजह से ही समाज के विभिन्न वर्ग में एक संतुलन बनता है, जिसके माध्यम से समाज स्थिर रहते हैं। और राजनीति के माध्यम से ही समाज की विकास और विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है।
तो दोस्तों इसलिए राजनीति में शिक्षित वर्ग की जुड़ना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने ज्ञान और शिक्षा के बल से जो हमें संविधान के तौर पे हमें जो पाने के अधिकार है से पाने में मदद करती है। और ये शिक्षित वर्ग ही हमारे समाज को, हमारे जो समाज के गति को एक दिशा देने में सक्षम है। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यही अंत करता हूँ। और आप क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, क्या क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे कह सकते हैं और अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।